आज हम आपके लिए लोबिया कीमे की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो लोबिया कीमे की रेसिपी तैयार करने के लिए आपने जो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं, इसमें आपने एक पतीला लेना है, उसमें आपने हाफ कप घी को शामिल करना है। जैसे घी गर्म होना शुरू हो जाएगा, आपने इसमें एक अदद प्याज को शामिल कर देना है स्लाइस में काट के। एक बड़ा प्याज आपने लेना है, उसको स्लाइस में कट करना है और उसको इसमें शामिल कर देना है। अब हम प्याज को सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, अब हम इसमें हाफ के जी कीमे को शामिल कर देंगे। आपने हाफ के जी बीफ का कीमा इसमें शामिल कर देना है इस तरीके से। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, इस तरीके से हमने इसके कलर को चेंज करना है। ये देखें, इस तरह से जब कीमे का कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक इसमें शामिल कर देना है। अब इसके साथ हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो कीमे की स्मेल है वो मर जाए। ये देखें, इस तरह से जब इसकी भुनाई हो जाएगी, हम इसमें टमाटरों को शामिल कर देंगे। एक अदर टमाटर आपने लेना है, उसको इसमें शामिल कर देना है, एक बड़ा टमाटर। साथ ही आपने 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों को शामिल कर देना है, 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक हसबे ज़रूरत आपने इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हम इसमें 1/4 कप पानी को शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जब कीमे की भुनाई हो जाएगी, देखिए घी नज़र आना शुरू हो गया। अब हम इसमें 1/2 kg सफ़ेद लोबिया को शामिल कर देंगे। देखिए बॉयल, ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इस तरह से आपने इसको डिश आउट करना है। कितना मज़े का टेस्टी तैयार हुआ है। इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। लोबिया कीमा हमने आपको सिखाया आज। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। लोबिया कीमा आज हमने आपको सिखाया, इस तरीके से आपने लोबिया कीमा घर में तैयार करना है। बहुत आसान था, मिनटों में तैयार हो गया। लोबिया पहले बॉयल करके फ्रिज में रख लें, फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको तैयार करने में। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लोबिया कीमा कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।